बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छी खबर तो ये कि जिन्होंने ईएमई 23 है या 22 बी में अप्लाई किया था, तो 22 बी का मैंने काफ़ी लेटर भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, कमेंट्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए कि मतलब ईएमई में ट्रेनिंग भी स्टार्ट इंशाल्लाह कमिंग मंथ्स में हो रही है, लेकिन अभी इंजीनियरिंग और साथ साथ में सिग्नल कोर की मतलब मैं अपडेट ज़्यादा दे रहा हूँ। तो ईएमई में जिन्होंने अप्लाई किया था, ईएमई एक अच्छी कोर है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड की, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर टाइम हम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो आज इस लड़के का फाइनल मेडिकल हो चुका है, ठीक है ना, ईएमई में। तो कोशिश करें कि अगर ईएमई में आप लोगों ने अप्लाई किया किसी भी सेंटर से पाकिस्तान में, तो कम से कम अगर आपको उम्मीद है कि मतलब मैंने हर चीज़ अच्छी की थी, क्लियर की थी, मैंने फिजिकल भी अच्छा हुआ था और साथ साथ में मेरा नाम मेरा लिस्ट में भी आया था या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में भी आया था, तो कम से कम आप लोग अपनी तैयारी वगैरह कर लें अगर आपका ईएमई का मतलब प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये मतलब ईएमई का भी प्रोसेस चला है, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होने होने मतलब होने वाला है। तो इसी तरह ना हो कि मतलब आप लोग फिर नंबर बांध कर लें, या मतलब इसी तरह हो कि आपके साथ कोई अगर वो कंटेक्ट करे तो आपके साथ कंटेक्ट का भी कम से कम कुछ ना कुछ जो आपका मोबाइल या जो भी आपका प्रोसेस है तो वो आपके पास हो, ताकि वो जब आप लोग के साथ रब्ता करें तो आपके साथ रब्ता आसानी से हो सके। ईएमई के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड की थी, जिन्होंने 23 में अप्लाई किया था या 22 बी में अप्लाई किया था, लेकिन करंट जो मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस दफा वो ये है कि मतलब काफ़ी लड़के यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि सुफियान भाई इंजीनियरिंग वाले जा रहे हैं और साथ साथ में सिग्नल वाले जा रहे हैं, ठीक है ना, उनके मतलब ट्रेनिंग का स्टार्ट होने होती है। देखिए इसके ऊपर ये बंदा नहीं कह सकता, क्योंकि हम खुद तो सेंटर में होते नहीं, जाहिर सी बात है, अगर जो मतलब बंदे मतलब सेंटर में होते हैं उनको भी मतलब पता नहीं होता, जाहिर है कि मतलब ट्रेनिंग कब स्टार्ट कर देते हैं जब लड़के पूरे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको खुद पता है कि पूरे पाकिस्तान से इंजीनियरिंग कोर्स सबकी लगी है, तो ये सब एक जगह मतलब इकट्ठे होते हैं, और ये आपके रिसालपुर में, या इसी तरह अगर सिग्नल की मैं बात करूँ तो वो कुहाड़ में होते हैं एक जगह, तो वो मतलब वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अभी फिर मतलब बंदा ये नहीं कह सकता कि इस महीने में हो रहा है या इस तारीख को हो रहा है, क्योंकि इसमें फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लड़के कहते हैं कि यार सुफियान भाई पहले आपने एक डेट बताई थी, फिर आप दूसरी हो गई है, तो ये अब डाउन खैर चलते रहते हैं, इसके ऊपर मतलब आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जब एक दफ़ा आपका लेटर इशू हो जाता है तो फिर तो मतलब ट्रेनिंग की जाहिर सी बात है, फिर आप लोगों ने मतलब जाना ही जाना है ट्रेनिंग पर, इसमें तो कोई मतलब फिर दो राय वाली बात ही नहीं आ जाती, ठीक है ना। तो ये भी अगर आप लोगों ने अप्लाई किया, आज की जो वीडियो है ये वैसे मैंने थोड़ा उस तरफ लेकर गया हूँ, क्योंकि वो लड़के कमेंट कर रहे थे, अब मसला ये है कि सब कमेंट्स का बंदा जवाब भी नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ जो जो मेन मेन कमेंटर्स हैं उसको मैं पिक कर लेता हूँ और यहाँ पर वीडियो में डाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये भी मैं अगर अप्लाई किया है कहीं से भी किया है पाकिस्तान से, तो आपके लिए खबर ये है कि इंशाल्लाह मेडिकल आपका प्रोसेस जो है अभी स्टार्ट होने वाला है या काफ़ी सेंटरों का स्टार्ट हो भी चुका है, तो आप लोगों ने भी अपनी तैयारी वगैरह अभी से कर लेनी, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिले होगी, चैनल पर पहले बारे लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि बार बार इस तरह मिलते रहे, एक दूसरे को ग्रोथ रहे, पाकिस्तान से बेहतर के खत्म करते रहे और मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।